Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Palworld. तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी एक न्यू पॉकेमोन गैंग बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फाइट करनी है कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक बॉस पॉकेमोन से. वैसे देखा जाए तो मेरे पास अभी जो गैंग है वो इतनी भी ज्यादा वीक नहीं है, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दो पॉकेमोन ही बहुत पावरफुल है, बाकी दो फालतू है. तो आज मुझे कुछ ऐसे पॉकेमोन पकड़ने होंगे कि कल को मेरी किसी भी खतरनाक बॉस पॉकेमोन से फाइट हो तो मैं एटलीस्ट हारू ना. उसे मेरा मतलब मैं लड़ाई छोड़ के भाग के जिंदा आ जाऊं. अभी क्या होता है भाई, कभी कभी फाइट होती है, मैं ही मर जाता हूं. पोकेमोन तो पिटते पिटते मेरी भी पिटाई हो जाती है, बट अब आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. तो चलते हैं कुछ नई गैंग बनाने. ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से Palworld की ब्यूटीफुल सी दुनिया में, जहां पे हर तरफ खतरनाक पोकेमोन्स भरे हुए हैं. और अभी तो कुछ खतरनाक पोकेमोन अपनी टीम में भी शामिल हो चुके हैं. मतलब तुम देख रहे हो कितने सारे पोकेमोन मैंने यहां काम करने लगा रखे हैं. कोई यहां पे खेतीबाड़ी कर रहा है, तो कोई यहां पे लकड़ी तोड़ रहा है, कोई इधर देखो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं. ये देखो, ये यहाँ पर मैं इनसे पत्थर तोड़वा रहा हूँ. ये मछली है, बट ये जमीन पे आके मेरे पत्थर तोड़ रही है. बेसिकली ये सारे फाइटर पोकेमोन नहीं है, ये थोड़े बहुत हार्ड वर्किंग पोकेमोन है, जो कि हमारे लिए आके बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पत्थर वत्थर इकट्ठा करते हैं. वैसे आज अपना टारगेट कुछ और है. आज मुझे कुछ 3-4 खतरनाक पोकेमोन को ढूंढना है, उन्हें अपनी टीम में शामिल करना है और अपनी टीम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है. वैसे हाँ गाइस, एक बहुत ज्यादा मस्त चीज मैं आप लोग को दिखाना भूल गया था कि जो नाइट विंग है ना, जिसे मैंने पकड़ा था काफी मेहनत लगा के, है तो चिंदी सही बट मैंने इसको पकड़ने में बहुत मेहनत कर दी थी. तो मैंने इसका बना लिया सैडल और देखो मैं इसके ऊपर कैसे बैठ के उड़ पा रहा हूँ. भाई एकदम फुल राजा वाली फील आ रही है. चलो खैर, मैं यहाँ तक आया तो इसलिए था ताकि मैं पत्थर वत्थर इकट्ठा कर पाऊँ. चल तू वापस आ जा, लड़ाई वड़ाई करने मत जा. तो थोड़े बहुत पत्थर वत्थर तोड़ ले. बेसिकली ये पत्थर नहीं है, मैं आयरन लेने आया हूँ. तो ये जो पीछे वाला पत्थर देख पा रहे वो है स्टोन, और ये जो अलग सा रेड कलर वाला ये है आयरन ओर. जैसे माइनक्राफ्ट में होता है ना आयरन, सेम वही आयरन है. वैसे सही बताऊं यार, मुझे तो बस रात होने का इंतजार हो रहा है कि भाई आज क्या मस्त फाइट होने वाली है. तो चलो इसी के साथ मैंने काफी सारा आयरन तोड़ लिया है, अभी भाग के चलते हैं. एक मिनट भाग के जाऊँ, नाइटविंग मुझे छोड़कर आवा तक. भाई देख रहे हो कितना ज्यादा आलसी हो चुका हूं मैं. मतलब अगर अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं ये नाइट विंग की हेल्प लेता हूँ. चल नाइट विंग मुझे उतार दे और तू अंदर आ जा चुपचाप. तो अभी मुझे बनाना है एक पैल्स फेयर, और उसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे बहुत सारी कीले. नेल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है बहुत सारा आयरन, जो की बनता है इससे. तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ 5, इसमें डाल देता हूँ मैक्स. चलो तो अभी जो फर्नेस है ना, इसके अंदर मैंने आयरन बनने के लिए डाल दिया आयरन ओर का. और ये देखो मेरे पोकेमोन यहाँ पर आके आग लगाने लग गए ताकि जल्दी जल्दी आयरन बन जाए. बाकी आ गए, एक और चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, मेरे पास ये है एग इनक्यूबेटर. मतलब जितने भी मेरे को पोकेमोन के एग मिलते हैं ना, जो देखो मैंने कितने सारे इसके अंदर रखे हैं, तो मैं इनसे एक पोकेमोन निकाल सकता हूँ. एक ये बहुत खतरनाक एग है, लार्ज स्कॉर्किंग एग. ठीक है भाई, इसको डाल देता हूँ मैं. अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो पूरे एक घंटा. गाइस इसमें पता है क्या है, ये जो आप देख पा रहे हो ना इंक्यूबेटर, इससे बेसिकली एग हैच होकर उसमें से एक पोकेमोन निकलता है. बट जो एग जितना ज्यादा टाइम लेता है उसमें से उतना बड़ा पोकेमोन निकलता है. अभी तक इसने मैक्स 10 मिनट्स लिए थे, तो मुझे बहुत खतरनाक एक पोकेमोन मिला था. बट अभी ये दिखा रहा है एक घंटा, तो पता नहीं भाई कौन सा पोकेमोन इसमें से निकलने वाला है. भाई इसका तो वेट है, मुझे आज ही देख के जाएंगे भाई कौन सा पोकेमोन बाहर निकलता है. और सुन देख, अगर तेरी फाइट हुई ना मेमोरेस, मेरे को कुछ मत बोलियो भाई. ये पता है इसकी लड़ाई होगी, सबको मारेगा यहाँ पे अकेला, ये बहुत डेंजरस है. तभी तो मैं चाहता हूँ कि पोकेमोन की नई गैंग बने जो इन सबको भी पीट पाए. अरे अरे अरे, ये क्या है, ये तुम लोग के नहाने के लिए बना था क्या? मैंने रिसेंटली ये बनाया था, बट इसमें पोकेमोन आके मस्त रेस्ट करते हैं गर्म पानी में नहा के. वैसे भी एक बार देख कर आते हैं, बहुत सारा आयरन यहाँ से इकट्ठा हो चुका है. तो इस आयरन से मुझे बनानी थी बहुत सारी नेल्स. तो यहाँ पे मैंने नेल बनने रख दिए 4, और इधर भी लगा देते थोड़ी सी. तो देखो मुझे ना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही लोग आके क्राफ्ट करने लग जाते हैं, मैं बाकी चीजों पे ध्यान देता हूँ. तो मुझे बनाना है एक स्फीयर, तो मुझे एक बनाना था कूलर बॉक्स, और कूलर बॉक्स को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे आयरन इनगेट चाहिए होंगे. यार सही बताऊं आयरन की भी बहुत ज्यादा कमी पड़ने लग गई है यार. आजा नाइटविंग, मुझे लेके चल आयरन इकट्ठा करके लाए. यार यार मुझे लग रहा था कि ऐसे ही हो जाएगा. 20 आयरन इनगेट के लिए मुझे 40 आयरन और चाहिए होगा, क्योंकि 2 आयरन और से 1 इनगेट बनता है. अगर कोई और पोकेमोन हो जो मेरी हेल्प करा है, इसमें कोई है? ओ भाई वेट वेट वेट, जिससे मैं पत्थर तोड़ रहा था वो मेरी पिकैक्स ही डैमेज हो गई है, और बैग में भी बहुत सारा सामान हो गया. अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं फाइट हो गई क्या? अरे नहीं मेमोरिस नहीं, मैं तो भाग भी नहीं सकता. नाइटविंग मुझे बैठा, भाग यहां से, अरे मरेंगे हम लोग. मेरा वेट इतना ज्यादा हो रखा है कि नाइटविंग भी मुझे उड़ा नहीं पा रहा है यार. मैं कुछ तो एयर कैनन यूज करके भागू क्या? जब भागने का तरीका बदलते हैं, लेट्स गो. भाई गलती से ना मेमोरिस से फाइट हो गई, और वो देख रहे हो कैसे पागलों की तरह मुझे मारने आ रहा है. एक तो बैग में इतनी ज्यादा जगह भर गई थी, मेरा प्लेयर भाग भी नहीं पा रहा था. सच बता रहा हूँ, ये नाइटविंग ना होता तो मैं मर जाता आज. चल ठीक है भाई नाइटविंग, मुझे उतार तू और वापस आ अंदर. इसी ने लड़ाई करवाई है, इसको मैंने बैठने के लिए उतारा था, उससे लड़ने लग गया पागल. लेट्स गो गाइस, रात हो चुकी है, बस थोड़ा सा अंधेरा और होने देते हैं, उसके बाद चलेंगे. टॉर्च लेके अपने पास, टॉर्च है, अंधेरे का टेंशन नहीं. बाकी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, आयरन इनगेट मुझे चाहिए. अरे यार ये रेस्ट करने चली गई, ये देख रहे हो ये यहाँ पर अच्छा खासा कुकिंग कर रही थी. मेरे पास कोई खतरनाक फायर वाला पोकेमोन है, इसको उतार देता हूँ बेस पे काम करने थोड़ी देर. एक ये है फायर वाला, इसको भी भेज देता हूँ. तो अभी मैंने फायर करने वाले बहुत तगड़े तगड़े पोकेमोन भेज दिए. इसको देखो भाई कैसे आग छोड़ रहा है, जला मत
दी हो भाई ज्यादा चीजें, पता लगा घर में आग लगा दी। लेट्स गो। तो तीन आयरन इंगिट मुझे और चाहिए था, तीनों मिल चुका है और अभी मैं एक कूलर भी बना पाऊंगा। ये है कूलर, इसको बनाकर हम लोग रख देते हैं यहाँ पे बढ़िया से। चलो भाई गाइस 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 कहाँ पर हो सारे, बिल्ड करवाओ। ये बिल्ड करते ही मेरा लेवल अपग्रेड हो जाएगा और इसके बाद मैं जाने वाला हूँ नए पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए। भाई क्या मस्त रात हो चुकी है, एकदम अंधेरा ऐसा होगा ना कुछ दिखेगा भी नहीं, और उस टाइम पे आते हैं उस एरिया में सारे तगड़े पोकेमॉन्स, उनको आज मैं पकड़ के अपनी गैंग में जमा कर लेंगे भाई, और फिर उसके बाद चलेंगे भाई बॉस पोकेमॉन से फाइट लेने के लिए। लेट्स गो। कूलर मैंने बिल्ड कर दिया है बढ़िया से, इसके अंदर मैं चीजें रखवा सकता हूँ, इससे खराब नहीं होगी। मीट ये रखवा दिया, ये भी रखवा देते हैं, तो जितना भी फूड है ना वो सारा वेस्ट नहीं होगा इसमें रखवाने से, ये फायदा है। बाकी एक बार मैं आपको मैप खोल के दिखाता हूँ, देखो हमने कितना सारा एरिया मतलब एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, बट मैं इसे जल्दबाजी नहीं कर रहा, हर एक एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए सारे बॉस को मारते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर भी बचा है मेमोरेस्ट किंग पाका, कैट्रेस बची है, एक ये पेन किंग बचा है, एल्फीड्रेन बचा है, बहुत तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स बचे हैं, बट अभी इनसे फाइट लेना रिस्की है थोड़ा सा, मतलब ये हो सकता है कि हमें मार दे, बट अब तो रात हो चुकी है, नए पोकेमॉन्स पकड़ने लगते हैं, नए गैंग बनने के बाद ये भाई चुटकी होंगे मेरे सामने। तो लेट्स गो, सारी की सारी चीजें मेरे पास है ना, परफेक्ट। अभी सीधा मैं जाने वाला हूँ, वो एरिया है ये वाला, आई थिंक सो यही था, यस चलते हैं। लेट्स गो गाइस, नए एरिया में आ चुके। देखो 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 सामने सकते ही क्या दिखा है, क्या नाम है इसका, कैगिनीटो, कैगिनीटो दिख गया सामने, वो देखो बड़े बड़े चील जो है, इनको मारू किससे, ये क्या है, ये भी कुछ हो रहा है भाई, लूप मून, भाई क्या अलग ही है ये जगह, कुछ भी अजीबोगरीब पोकेमोन नजर आ रहे भाई यहाँ। मैं इनको मारूंगा बट सोच समझ के फाइट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका भी लेवल कोई कम नहीं है। हम लोग लड़ना चालू करेंगे सीधा उन पोकेमोन से जिनको हम लोग तुरंत मार कूट के पकड़ पाए। खाना खा लो भाई पहले ना, सारे लोग खाना खा लो, हेल्थ सबकी फुल रहनी चाहिए, बाद में जिसको भूख लगेगी खाना नहीं मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। देखो ये वाला एरिया तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया है, यहाँ से एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ मेरे को भी डर नहीं लगा, मैं आऊंगा यहाँ, एक बार इस एरिया में चलते हैं। मुझे देखना है कि हर एरिया में रात में ना अलग पोकेमोन आते हैं, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन है रात में, यहाँ पे एक दो यार हुक्रेट्स हैं और तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ। नहीं ये एरिया में रात में ऐसा कुछ भी खास पोकेमोन है, जंगल में आते हैं भाई अजीब वगैरह, वहीं चलते हैं। वैसे एक सेकेंड मैं काफी आगे तक भी गया था, इधर चल के देखते हैं लेक सेंटर में, यहाँ पर भी कुछ अलग पोकेमोन हो सकते हैं रात के टाइम पे। ओके तो अभी मैं कुछ अलग टाइप के एरिया में आया हूँ और यहाँ पे तो रात में काफी सुनसान है। नहीं जा मार इसको, मार दे प्लीज, मार दे प्लीज, मार दे, बढ़िया, ओ वेरी गुड, बिल्कुल गुड नहीं भाई, पिट रहा है ये, ओ भाई मैं गलत पोकेमोन लिया अपने साथ, एक मेरी पिटाई होने वाली गाइस, मुझे ना मेरे को लग रहा है वापस चलना चाहिए, वापस आ जा भाई, ये दो दो लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मेरा वापस जाना बेटर रहेगा, ये देखो मार भी रहे। तो मैं बता रहा हूँ ना भाई मामला बहुत डेंजर है, मैं अभी भी गलत जगह पर आ गया, पहले मुझे एक बार घर जाना होगा फटाफट से। पता नहीं यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये कब आ गया, इसको लेकर गया था मैं फाइट कराने गलती से, पागल है क्या, इसको साइड करो भाई पहले। मेरे सारे पोकेमोन की हेल्थ भाई 10 सेकंड में ऐसी कुटाई हुई है इनकी, पूछो मत यार। मेरे को लगता है ना नाइट विंग का तो कोई फायदा नहीं है, बहुत पिटाई खाता है यार, मुझे कोई ऐसा चाहिए होगा जो यार बुरी तरह मारे यार इन लोग को। एक तो रुको यार पहले इसको उतारो, ये मुझे हील करेगा, हील कर, ये देखो ये आया, ये हील कर दिया, इसका ये फायदा है भाई, वापस आ जा। रॉबिन क्विल पिटा, मुसांडो लक्स ने थोड़ी फाइट करी, वैसे यार वहां पर अगर वो दो दो नहीं होते ना तो मैं एक बार को फिर भी मार देता। एक इसको रखता हूँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अटैक बहुत अच्छा है तो ये मारेगा। बाकी यार एक टॉम को ले लेता हूँ अपने साथ, ये भी बहुत तगड़ा है मारने पीटने में। तो वो लोग थे यहाँ पे लेक के पास, यार वो लोग डिस्पोन हो गए भाई अगले दिन होते ही, शिट यार अब पिट पुटा जाओगे भाई, मान लो इनके ऐसी की तैसी करियो, जा मैं यार मूड खराब हो गया। तो चलो जब तक ये अपना मुसांडा इन लोग को पीट रहा है मैं थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ से। अरे ये लोग कहाँ गए, पता नहीं क्या फाइट हो गया, बस मैं मर गया बुरी तरह, मुझे हर तरफ से घेर लिया भाई इन लोगों ने, वहाँ उल्लू भी मार रहे हैं, ये भी मार रहा है, वो भी मार रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ पे मैं ट्रैवल करूंगा मैं सीधा उसके आसपास ही मरा था, तो सीधे से उठा लेते हैं बस यहाँ से भी। बट यार मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, अपनी मैं बता रहा हूँ ना, अपने पोकेमॉन्स भले ही बहुत पावरफुल हो बट इतने भी पावरफुल नहीं है यार, पिट जाते हैं भाई ये लोग, इसके लिए मुझे पावरफुल गैंग बनानी है भाई। एक बार दोबारा से उस जगह पे वापस चलता हूँ, यहाँ पर थोड़े नए पोकेमॉन, क्या नया यार ये क्या नया है, इसमें बच्चे बच्चे से पोकेमॉन है, इनको क्या मारू भाई। अब मैं देखो दिन के टाइम पे ना मैं काम करता हूँ, कुछ छोटे मोटे ये तो मेरे पास है ना शायद से, हाँ ये मेरे पास है ब्रॉन्ज चेरी, हाँ तो मैं कहता कि कोई छोटे मोटे बॉस पोकेमोन से फाइट कर आते हैं। 23 लेवल का है कि किंग पाका है, शायद हम लोग इसको मार देंगे। तो चलो गाइस, तुम्हारा भाई अभी टाइम पास करने के लिए एक बॉस पोकेमोन से फाइट करने जा रहा है, उसके पास जाने का ब्रिज ऊपर से है, मैं नाइटविंग लेकर नहीं आया वरना उड़ के चल लेता भाई। आज ये किंग पाका का खेल पूरा खत्म होने वाला है, पिछली बार इसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था बट इस बारी मैं इसको सांस भी नहीं लेने दूंगा यार। वैसे जिस रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ आई थिंक यहाँ पे मैं पहली बार ही आया हूँ यार, मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ पे पहले आया हूँ। वो सामने वो देखो इन लोगों ने एक पोकेमोन बंद कर रखा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास पोकेमोन है जो इनको लपेटेंगे और मैं उसे छुड़ा लूंगा।
लो इससे लड़ो तुम, मुझे कोई नहीं मारेगा, पहले बता रहा हूँ, हाथ मत लगा देना मुझे। मुसांडा भाई बचा के रखना मुझे जब तक मैं पोकेमोन छुड़ा लूं। बढ़िया, पोकेमोन अपने हवाले। चलो जब तक वो उनको पीट रहा है मैं थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, वो उन्हें मार कूट के आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना भरोसा है भाई मुझे अपने पोकेमोन पे। देखो 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 कैसे दौड़ा दौड़ा के मार रहा है भाई वो उनको। ओ वेट एक सेकंड, मैं खाली पीली इतना ज्यादा ऊपर आ गया, किंग पाका यहाँ पर नीचे है। कोई बात नहीं, जंप मार के फटाफट से चलते हैं। पिटना तो देखो आज उसको है, और मैं ना इसे पूरा नहीं मारूंगा भाई, इसको ना अपने साथ पकड़ के लेके चलेंगे। लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं किंग पाका के अड्डे में। एक तो दुख पता है किस बात का, इसके अगल बगल ना दूसरे पोकेमोन भी घूमते रहते हैं जो कि इसकी हेल्प करते हैं, तो क्यों ना पहले इनको ही निपटा दिया जाए। चलो भाई मार इसे, इन सबको भगा दो मिनट के अंदर। इधर बढ़िया, उड़ा दे इनको। ओ भाई 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 उड़ा दिया। रुको रुको रुको, मुझे इसको नहीं इसको भेजना चाहिए। बढ़िया रोक दिया उसने। बढ़िया भाई दोनों को ही मार दिया। चलो अभी ना थोड़ा हमने रास्ता क्लियर कर दिया, अभी एक सामने ये वाला पोकेमोन है इसको भी मार। क्या तीर मारेगा, देखो ना इसने ये फेंका, खत्म, मर गया भाई वो। ओ वेट एक सेकंड गाइस, किंग पाका ने मेरे को देख लिया है। ये मारी उसने बॉल और ये फूटा बम। किंग पाका आज तेरी पिटाई है वैसे भी ज्यादा चौड़ा। ओ मेरी शील्ड तोड़ दिया उसने। रॉबिन क्विल ढंग से लड़े यार, ये ले सामने से मार इसको, मेरे ऊपर कूदेगा तू, इतना बड़ा हो गया। मार इसके इसके ऊपर वो गोले वाला बम फेंकना, अब पीटेगा भाई मुसांडा इसे। मार 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 मार, बहुत सही, ज्यादा तेज मच मारी हो, मरने वाला है वो। अरे अरे उड़ा दिया इसको तो, मुझे ना हील चाहिए होगा एक बारी। अरे उसको मत मार, मुझे पहले हील कर, डिफेंड हील कर, लड़ाई में कर लूंगा। जा टॉम मार, बस टॉम वापस आ, इसको बारी पकड़ने की, इसमें तो आएगा नहीं है, दूसरी वाली बॉल फेंकनी पड़ेगी, इसमें आ जाएगा शायद। मरी गया, दुख है भाई दुख हो गया, पर इससे मुझे कुछ तो मिला यार। ये मर क्यों गया यार, मुझे बार बार शायद से ना बॉल फेंक फेंक के ट्राई करते रहना था। कोई बात नहीं, इसको दोबारा मार दूंगा मैं। यार देखो अभी ना बस थोड़ी देर में रात होने वाली है, तो मैं नहीं जा रहा अभी और कहीं, सीधा उस एरिया में चलते हैं जहां पर मैं लास्ट नाइट गया था लड़ने। बट इस बार मुझे बहुत सोच समझ के फाइट लेनी होगी। सोच समझने से याद आया, सबसे पहले इन सबको खाना खिला देते हैं। मैं अभी तक एक भी नया पोकेमोन, खतरनाक पोकेमोन अपनी टीम में शामिल करने के लिए पकड़ नहीं पाया हूं। यार देखो हमें ऐसा पोकेमोन पकड़ना होगा जिसका डैमेज इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा कि उड़ा दे वो एक में ही सबको। सामने एक चेस्ट पड़ी हुई, अगर मैं कूद के जाऊं तो मैं क्या वॉल पकड़ सकता हूं? अरे इतना ऊपर चढ़ना है क्या? लेट्स गो। अभी मैं रात होने से पहले उस जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग नाइट में गए थे और अपनी बहुत ज्यादा बुरी तरह पिटाई हुई थी। और इस जगह का नाम है लेक सेंटर, मतलब जगह का नाम तो मूनलेस शोर लिख कर आ रहा है, बट ये वही लेक सेंटर है जहाँ पर रात में वो खतरनाक वाले पोकेमोन आए थे। भाई इस जगह पर दिन में एकदम अलग क्यूट क्यूट पोकेमोन रहते हैं और रात के टाइम पे कुछ अलग लेवल खतरनाक पोकेमोन्स आते हैं। वैसे सही बताऊं तो क्यूट तो कोई भी नहीं है भाई, है ये भी डेंजरस ही, बहुत मारते हैं। तो फाइट करने के लिए मेरे सारे के सारे पोकेमोन्स एकदम फुल हेल्थ में बैठे हुए हैं, जैसे आज कूट देंगे भाई किसी को भी। थोड़ा सा भी लग रहा है टाइम लगेगा रात होने में, तो मैं एक बार घर होकर वापस आ जाता हूं फास्ट ट्रैवल से। तो मुझे ना अपने पैल बॉक्स से ये हीलिंग वाला पोकेमोन तो हटाना है, ये मुझे उतना काम का नहीं लग रहा। इसकी जगह पर मैं डालने वाला हूं ये ब्रॉन्ज चेरी, ये तगड़ा है भाई, इसका डैमेज अच्छा है। तो ये अभी पांच लोग की टीम रहेगी, इन सबका डैमेज 200 प्लस है। इन 25 मिनट्स में अपना एक न्यू एग भी ओपन होने वाला है जिसमें से एक न्यू पोकेमोन निकलेगा भाई। लेट्स गो। थोड़ा सा खाना ले लेता हूं भाई, जरूरत पड़ेगी। हो जा भाई रात हो जा, आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एक नई पोकेमोन टीम बनाने का जिसमें दो नए खतरनाक पोकेमोन मुझे डालने हैं। वैसे हाँ मैं अपने पैल बॉक्स को अपग्रेड कर सकता हूं जो कि मैंने करा नहीं था, तो ये हो गया बेस अपग्रेड। एंड बेस अपग्रेड का मुझे फायदा ये हुआ है कि अभी मैं दो पैल बॉक्स बना सकता हूं, मैं अपने दो जगह पर बेस बना सकता हूं, जैसे एक यहां पर होगा एक दूसरी जगह भी बना सकते हैं कहीं। यार देखो इसमें ना एक फायर क्रॉसबो भी आता है ये रहा, बट इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, इंगेट एंड नेल जो कि मेरे पास अभी नहीं है। बट यार मेरे पास ना एक ये फायर बो है, अगर मैं इस फायर बो को अपने पास रख लूं तो अभी मेरे पास एक क्रॉसबो भी रहेगी और ये फायर बो भी रहेगी जिसमें से मैं फायर एरो चला सकता हूं, बट फायर एरो मुझे क्राफ्ट करने पड़ेंगे। तो जल्दी से बना लेते हैं भाई, थोड़े बहुत 20 बना लेता हूं, क्या पता बहुत ज्यादा डैमेज दे और पोकेमोन के साथ-साथ मैं भी मारूं और मेरे पोकेमोन्स के साथ-साथ मैं भी उनकी हेल्प करूं अटैक करके दूसरे पोकेमोन को मारने में। और जब तक फायर एरो बनेगी तब तक रात भी हो जाएगी और आज तो मैं भाई पोकेमोन्स को पकड़ कर लाऊंगा ही। बट फाइट मुझे बहुत स्ट्रेटजी से बहुत समझदारी से करनी पड़ेगी कि एक बार में एक ही पोकेमोन से फाइट हो, वरना तीन चार लोग मारने पड़ते पता भी नहीं चलता यार कब में पिटाई हो जाती है। इसमें बस एक ना तरीका है, थोड़ी बहुत ना इसमें भी बनने के लिए लगा देता हूँ 5-6। देखो इसमें कोई ना कोई दूसरा पोकेमोन आके काम कर लेगा। लेट्स गो। रात हो चुकी है भाई, काम भी कंप्लीट होने वाला है, रुक जाओ। तो जितने यहाँ पर एरो बने थे सारे के सारे उठा लेता हूँ और यहाँ पर भी जो जो एरो बने थे ये भी उठा लेते हैं। बढ़िया अभी निकल जाते। अरे मुझे लग रहा था रात हो गई, मुझे ना ऐसे शेडो आती हुई दिखी तो मुझे लगा होने वाली, वैसे बस होने ही वाली है, मतलब बस 3-2 की गिनती में हो जाएगी। और अभी मेरे पास ना फायर एरो भी बन चुके हैं, ये अपने पास क्रॉसबो रहेगा और दूसरा अपने पास ये जिससे मैं आग वाले तीर चला सकता हूँ। ये देखो
ये सही है भाई। वैसे पता है टॉम से ज्यादा पावरफुल पोकेमोन ये वाला है, इसको लेके चलूं क्या? ड्रैगन बर्स्ट, एको गन, ड्रैगन कैनन, भाई ये मुझे ज्यादा तगड़ा लग रहा है यार। चलो 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 भाई, रात से दिन होने में आना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट से फास्ट ट्रेवल कर लेते हैं। क्या पता वहाँ पे रात वाले पोकेमोन आना चालू कर दिए हो अभी से ही। नहीं, मैं थोड़ा सा गलत था अभी एक्चुअल ना। देखो जब तक सन हमें दिख रहा है समझ लो रात नहीं हुई है भाई। एक तो मैं जब भी इधर आता हूँ ना भाई, इन पोकेमोन की आपस में खतरनाक फाइट चलती रहती है, और इधर के छोटे छोटे पोकेमोन भी भाई देखो कैसे मार रहे हैं। ये देखो दो दो को पकड़ के कूट रहे भाई पहला लायंस को। अब ना मैं अपने बेस वापस नहीं जाने वाला, एक बार दूसरे एरिया में चल के देखते हैं। हर जगह इधर उधर करते हैं, कोई ना कोई नया पोकेमोन तो दिखेगा ही, सीधा पकड़ लेंगे उसको। भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक मिनट भाई, दो मेमोरिस्ट की फाइट चल रही है। इन दोनों में से कोई ना कोई तो मरेगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। इन दोनों की फाइट चल रही तो इनकी हेल्थ कम होगी। मैं अपना गीगा स्फीयर रेडी रख रहा हूँ भाई, रुक जाओ। ये वाला, ये मेगा स्फीयर रेडी रखते हैं, मुझे तो नहीं मारने आ रहा। अबे मारो एक दूसरे को, एक्टिंग कर रहे हो। मारो 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 भाई, गाइस मजा आ गया भाई। इन दोनों के आपस में फाइट चल रही है, देखो कि मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस समय। बस यार इनमें से कोई ना मर ना जाए जल्दी। मार 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 मार, बहुत ही बढ़िया मार रहा है, बहुत सही। मार इसको, नाइस अटैक। रुक जा, ये वाला एक बारी पकड़ के देखो। अबे इसमें मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, रुक जा इसकी हेल्थ कम होने दो। मर गया यार, तुम्हें भी पता है मैं कितना लकी था इस मोमेंट पे, बट लक साथ में नहीं है। ऐसा सिचुएशन मैं देख के खुश हो गया था भाई कि दो पोकेमोन, मतलब दो मेमोरिस्ट एकदम जॉइंट पोकेमोन जिनसे मैं लड़ने की सोचता भी नहीं हूँ, वो एक दूसरे को मार रहे थे, मौके पे छक्का भी नहीं, अट्ठा मारने वाली बात थी। अबे यार एक तो ये आ जाते हैं ना भाई, बहुत बुरी तरह मारते हैं। चुपचाप जाना है, शोर नहीं करना, वो अकेला घूम रहा है। एक लेफ्ट में भी कोई तो भाई डेंजर सा ड्रैगन है, उड़ रहा है यार। ये क्या है, कौन सा पोकेमोन है भाई? नहीं, मैं गया, उसने मुझे देख लिया, वो आएगा, भाग जाता हूँ उसके आने से पहले। वहां पर बहुत सारे हैं भाई ये वाले भी, इसको मारना आज मुझे, कैटरिस को, 27 लेवल की। यार मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इसे मार सकता हूँ, बट स्टिल ट्राई करेंगे हम लोग। यार इसने क्या बबल फेंका है मेरे पीछे, आए जा रहा है। पेड़ के पीछे छुप जाऊं तो वो फूट गया। नाइस, वापस आ तू जा, इसको मार दो भाई आज बस तुम ना। नाइस, अरे वो मेरे पीछे आ रही है बस, आओ। बढ़िया भाई, क्या डैमेज दिया, बहुत ही सही। अरे दोनों भाग के कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड, मेरी क्रॉसबो का, अच्छा इन्वेंटरी में। वापस आ तू जा। गाइस बहुत सही फाइट चल रही है, मेरे को बस अपनी क्रॉसबो उठा के रखनी है। बहुत बढ़िया, उसे मारना मत, इसे हमें जिंदा पकड़ना है। बस वापस आ जा, आ जा। अब मुझे नहीं समझ आया भाई क्या हुआ है, ये क्यों मरी, किसने मारा, कैसे मरी, मुझे पता ही नहीं भाई। अब मैं इससे पंगा लूंगा भाई, मुझे नहीं पता। अबे तूने मारा है क्या उसको? यार इन लोगों ने आके मार दिया यार, क्या बोलूं भाई, अब मैं क्या ही बोलूं। मार इसको, ओ भाई उसके लग गई भाई, वो मेरे को मारेगा। जाओ अब तो मेरा वापस से मैं पिटूंगा उसको, उस पोकेमोन ने मारा, वो मुझे मारने वाला है अब। इसका तोड़ क्या होता है भाई? ये बहुत ही तगड़ा पोकेमोन है ड्रैगन वाला। यार वापस आ, मैं अपने पोकेमोन को इस तरीके से फाइट करवाऊंगा ना इससे कि ये जीत ही नहीं सकता। मैं उसको बार बार वापस बुला के फेंकूंगा, उसका ध्यान मेरे पे, तब तक इसे मारेगा। नाइस, बहुत बढ़िया, इसको मार देंगे हम लोग, मर गया वो ऑलमोस्ट। बस, आज इतनी किस्मत खराब है ना भाई, मत पूछो भाई, आज बहुत किस्मत खराब है। कुछ भी मन दुख हो गया भाई, तीन पोकेमोन से फाइट करी, वो भी इतने खतरनाक जिनको मैं आराम से मार रहा था, बट उन्हें कोई और ही दूसरा बंदा पूरा मार गया। मर जा भाई, अभी क्या फायदा है, लड़ने का भी मन नहीं कर रहा है यार। मैं एक और रात आऊंगा यहाँ, हम लोग कर सकते हैं, इन्हें पकड़ लेंगे। इसको मार यार, इसको उल्लू को, क्या घटिया सा है भाई ये भाई। लेकिन ये जो पोकेमोन है ना अपना, ये बहुत ही सही है भाई। देखो ये जो बबल्स फेंकता है ना एंड में, वो बहुत सही दिखते हैं भाई। आज का दिन तो भाई मतलब मेरा पूरा ही वेस्ट किया, मैं कई बार ही आया पोकेमोन्स पकड़ने के लिए, बट हर बारी पोकेमोन मरते 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 जब बारी आती है ना उसे पकड़ने की, उस टाइम पे वो पूरा ही मर गया। और ज्यादा हेल्थ में पकड़ो ना तो पकड़े नहीं जाते, इनकी हेल्थ हमें कम करनी पड़ती है। बट वेट, सारे जो रात में पोकेमोन आते हैं वो सारे डिस्पोन होकर यहाँ से जा चुके हैं, बट मुझे एक दिख गया भाई। रुको, खाना खा लूं भाई पहले, वो डिस्पोन ना हो जाए। ये किसके तीर बजा देते हैं। लूप मून, अब तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा, चल जा मार इसको भी। बढ़िया, पूरा नहीं मारना। अरे इसे रात में, दिन में दिखता नहीं है कैसे? मार मार अटैक कर भाई, इसको दिन में दिखता नहीं है क्या? मार 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 मारते रहे, वो दिख गया जैसे गुस्से में तो लग रहा है। इसको दिन में दिखता नहीं है भाई, मुझे लग रहा है विचार है, इतनी बुरी तरह पिट रहा है। सुनो ये पूरा मत मारियो, एक बार और अटैक करने देता हूँ, इसे वापस ही बुला लूंगा मैं, वापस आ जाता हूँ। वो नहीं जाता था, गुस्से में आ गया, अब आ मारने वो, वापस आ, मैं ही मारूंगा इसे। पहले ये फेंकते नॉर्मल बॉल, इसी बड़ी वाली बॉल फेंक दी मैंने, गीगा स्फीयर इसमें तो आ जा भाई। अब वो गुस्से में और आ गया कि तुम लोग मार रहे थे, ठीक है
आजा यार, मर ही जाएगा ये। प्लीज प्लीज, बड़ा बड़ा उसका कैप्चर रेट। भाई फाइनली फाइनली आज हमने अपनी टीम में एक नए पोकेमोन को पकड़ा। इतनी खुशी मिली है ना भाई दिल को। भाई उसका अटैक मुझे जाके देखना है कितना है। 80 मीटर दूर यहाँ से वो है फास्ट ट्रेवल, वहाँ पे चलते हैं सीधा। अभी भाई कोई पोकेमोन नहीं बचा होगा यहाँ पे, हमें अब अगली रात ही आना पड़ेगा तभी मिलेंगे तगड़े पोकेमोन। बेसिकली ये ऐसा एरिया है ना, दिन के टाइम पे यहाँ पे काफी ढीले डाले ठीक ठाक पोकेमोन आते हैं, बट रात के टाइम पे तुमने देखा ही था भाई, एक ही पोकेमोन ने मेरे 3 पोकेमोन की जान निकाल दी थी। कुछ उस लेवल के पोकेमोन यहाँ पर घूम रहे थे। एक बार वापस से चलते अपने होम बेस पे। तो ये अपना पैल बॉक्स, इसमें से मुझे निकाल के दिखाने वाला पोकेमोन जो मैं लाया हूँ, ये रहा लूप मून। देखो सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस अगर मेरी टीम में से कोई कर रहा है ना तो वो है रिलैक्स, ये ब्रॉन चेरी को उठाओ भाई, मर ही गया था भाई 2 के अंदर ही। तो ये है लूप मून, ये देखो भाई क्या डेंजरस दिख रहा है यार ये। वैसे गाइस इसका लेवल 18 नहीं है, इसका लेवल बहुत ज्यादा है, बट मेरा लेवल 18 है इसलिए वो मेरे साथ मेरे लेवल के सिंक रहेगा। एक बार पता करूं भाई इसका अटैक वगैरह कितना है। लूप मून का अटैक है 270। मेरे पास जो सबसे तगड़ा पोकेमोन है वो है रॉबिन क्विल, जिसको मैंने अपग्रेड कर रखा है, तब उसका अटैक है 286 और इसका डिफॉल्ट अटैक ही 270 है। और सबसे पावरफुल अटैक जिसका है वो है मुसांडा 295 का अटैक के साथ। मुसांडा का अटैक और बढ़ा दूंगा भाई, अटैक बढ़ा दे रहा हूं भाई मैं इसका। हेल्थ कम करने के लिए इसको भेजेंगे भाई जिसकी भी कम करनी होगी। बाकी अभी अगर कोई बॉस पोकेमोन है जिसको जाके हम लोग मार पाए तो एक यहाँ पर एक कैट्रिस है, इसके पास चले क्या बॉस फाइट, बॉस एरिया में जाके इससे फाइट लूं क्या? अभी तो क्या मुझे रात होने का वेट करना पड़ता है तब आती है कैट्रिस, बट यहाँ तो अभी आ रखी है। तो चलते हैं भाई इससे बॉस फाइट लेते हैं, इसको पकड़ ही लेंगे। फायर एरो बना लेते हैं भाई थोड़ी बहुत। चलो भाई लग जाओ काम पे। बहुत ओए ये तो काम भी करवा रहा है, ये तो बहुत ही सही है। तो आज हम लोग कैट्रिस को भी पकड़ कर लाने वाले हैं। दो नए पोकेमोन चाहिए थे मुझे, दोनों हो जाएंगे अगर हमने कैट्रिस को भी सक्सेसफुली पकड़ लिया तो। इसका रेट बहुत ज्यादा हो रही है वो देखो 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 भाई। वेट, कुछ कुछ पोकेमोन ऐसे आ रहे हैं जिन्हें मुझे पकड़ लेना चाहिए। ये कौन सा पोकेमोन है भाई? अरे पूरा मत मारना, हमें वो बंदे जिंदा चाहिए। गाइस कोई बहुत ही तगड़ा और बड़ा पोकेमोन है। अरे ये कौन सा पोकेमोन है? अरे भाई पकड़ने का टाइम तो दो। क्या हो रहा है, कोई आया पकड़ ले भाई? आजा आजा आने दो यार, बस 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 पागल हो गए। पता नहीं मैंने कोई 2 पोकेमोन पकड़े या 1 पोकेमोन पकड़ा, मुझे नहीं मालूम। देख क्या हूँ, रुक जाओ एक बारी में। हाँ देखने में लग तो नहीं रहा कि कोई नया आया है, मतलब एक को तो मैंने लास्ट टाइम पकड़ ही लिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो गया किधर पर। ये रहा लीज पंक आ चुका है, ये अपना न्यू पोकेमोन है। और एक और जो बड़ा वाला था ना उसको नहीं पकड़ पाया यार, वो मेन बॉस था यार इनका। ये देखो ये जो मरा हुआ है यहाँ पर, पता नहीं ये कहाँ का पोकेमोन है भाई, बहुत डेंजरस था ये भी, इसको पकड़ नहीं पाया बट मैं। चलो अभी सब कुछ हो चुका है, चलते हैं सीधा हम लोग नए एरिया में। इसके पास कैट्रिस, आज की अपनी सबसे खतरनाक बॉस फाइट होने वाली है कैट्रिस के साथ, मार ही डालेंगे भाई इसको। तो चीजें मैं सारी की सारी लेकर आया हूँ अटैक करने के लिए। मेरे पास एक क्रॉसबो है, फायर एरो भी मैंने बना लिया है, सब कुछ है। तो तीर कमान फुल चलने वाले हैं, बट एरिया कैसा होगा फाइट का वो अंदर जाके पता चलेगा। लेट्स गो। ओ भाई आ चुके, सीधा फाइट चालू हो गया भाई। रुक जाओ मैं सबसे पहले भेजना चाहूंगा इसको। कैट्रिस ड्रामे नहीं, आज तेरी पिटाई बहुत ज्यादा बुरी है। नाइस। ओ भाई मुझे तो मेरे पे ही अटैक करने का, तेरे को फायर एरो मारू कैसे? ले जला दिया भाई, ले ले। अकेले में लड़ाई होती है ना तो ये पिटते हैं भाई गंदी तरह। अब मैं ना थोड़ा तमीज में लड़ता हूँ। अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गई। नाइस। बबल्स मार, बबल मार मार मार। अरे निशाना कच्चा, कच्चे निशाने वाले, बढ़िया। मेरे पीछे पड़ गई, बचा मुझे। ओह वापिस आ, इधर जा। नाइस, क्या बुरी तरह मार रहे हैं हम लोग इसको यार। रुक जाओ थोड़ी देर, इसको भेजता हूँ। मार 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 मार, बहुत सही तगड़ा डैमेज दे कुछ, बहुत ही बढ़िया करंट लगा रहा भाई ये तो उसे। यार इसको ना मारना नहीं है मुझे, इसे कुछ भी करके पकड़ना है। इसका ये जो बॉल है ना मेरे पीछे पड़ गया बट जाके फूट गया दीवार में। अब बारी आ चुकी है एक पोकेमोन चेंज करने की। लूप मून को भेज के देखते हैं कि कैसा है। ओह मुझे लगा मुझे कुछ खा लेना चाहिए पहले ना। सबको पेट भर के खाना खिला दिया भाई। भाई लूप मून इससे अच्छी फाइट कर रहा है। ओ नाइस, क्या मस्त डोज मारा मैंने। ये जल नहीं रही यार फायर एरो से। अच्छा थोड़ा पास जाके फायर एरो मारो तो पोकेमोन जलता है। ओ मेरे लगी, ये ले इससे लड़ अब तू थोड़ी देर। मैं बाकी अलग अलग पोकेमोन से इसलिए लड़ा रहा हूँ ताकि वो लोग ही इसको, मतलब बाकी पोकेमोन को हील होने का थोड़ा टाइम मिले। और ये मेरे पीछे भागकर आ रहे हैं बहुत तेज स्पीड में। जैसे मैं दीवार में फंसा दूंगा। बच गया मैं। मार मार मार। नाइस। अरे प्यार कर रहा है, मार रहा है उसे, तेज मार थोड़ा। देखो मेरे सारे पोकेमोन धीरे धीरे हील होते जा रहे हैं। ये तो भाई इसका अटैक ज्यादा है बट इसका निशाना विशाना तरीका बड़ा खराब है इसका मारने का। मुझे अब भेजना चाहिए इसको। मेरी हेल्थ इतनी कम कैसे हो गई यार?
नाइस। तो बेसिकली जो वॉल्स के कवर है ना, इसका मुझे बहुत सही तरीके से यूज करना है, और थोड़ी देर में मरने वाली है। पूरा मत मारियो याद से। ओए मार दे मार दे। बस अब तू वापस आ जा, उसे पकड़ने का टाइम आ चुका है गाइस। गैप बना लेता हूं मैं इससे थोड़ा सा। कैसे आखिरी यार उसे इतना डैमेज कैसे चला गया? मुझे दोबारा इससे फाइट लेनी है, अभी के अभी। मुझे अभी फाइट लेनी है भाई इससे, अभी ही फाइट लेने आ रहा हूँ मैं। दोबारा फाइट कैसे लूँ मैं इससे? मुझे अभी फाइट लेनी है भाई। ठीक है, डंजन में जाके मैं दोबारा फाइट? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या भाई, मतलब मैं इतने बड़े बॉस पोकेमोन को मारने के बाद भी दुख में पता क्यों हूँ? क्योंकि बस मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया। तो एक घंटे बाद शायद से यहाँ पर एक दूसरा बॉस रिवील होगा, या फिर यही वाला बॉस यहाँ पर दोबारा आएगा, कैट्रेस। मुझे ना क्या करना था, बार बार बॉल फेंकते रहनी थी। मुझे हेल्थ कम करने का नहीं सोचना था। अभी मुझे क्लियर हो चुका है कि अगर कोई भी पोकेमोन बॉस की हेल्थ एकदम थोड़ी सी भी कम है ना, तो उसे बार बार उसके पास बॉल फेंकते रहो, वो कैप्चर हो जाएगा। ये नहीं कि उसकी थोड़ी सी और हेल्थ कम करके कैप्चर करो। बट यार पता नहीं, एक एरो में उसके बहुत ज्यादा डैमेज हो गया अचानक से। यार हमने मार दिया भाई एक और बॉस पोकेमोन को, कितना दुख में बोल रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ। बाकी तो यहाँ पे थोड़े थोड़े बच्चे बच्चे पोकेमोन है, पेनकिंग वगैरह, ये तो 15-15 लेवल के भाई, इन्हें तो 2 मिनट के अंदर ठोक के आ जाऊंगा मैं। बट मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वो ऑलरेडी है, कभी फालतू टाइम पड़ा होगा तो मार आएंगे। अब देखो यार इतना टाइम हुआ ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना एक बार रात होने का और वेट करते हैं। रात में सारे पोकेमोन दोबारा आने वाले हैं, तब इनको चल के मैं मारूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ वापस बेस पे फायर एरो बनाने, क्योंकि मैं इन पोकेमोन को जला सकता हूँ। और मुझे पता है, आज मुझे फील है कि मैं रात में एक ना एक पोकेमोन पकड़ ही लूंगा। ये लास्ट नाइट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई खतरनाक पोकेमोन पकड़ने का, वरना मैं नहीं है जरूरत, मैं अपने नॉर्मल पोकेमोन को ही अपग्रेड करूंगा भाई दबा के। सही में यार आज तो पूछो मत, मेमोरेस्ट हमारे हाथ आने वाला था वो मरा। किंग पाका को हम लोग मार चुके थे, वो मैं हमारे हाथ से मर के छूट गया। ऊपर से जो बर्ड आया वो भी मर गया। अभी एक कैट्रेस से फाइट हुई, ये भी मर गई। मरने नहीं देना यार, कैप्चर करना है। टीम अब काफी अच्छी है मुझे फील आ रही है। और बाकी एक नया पोकेमोन इसमें से भी तो निकलने वाला था, इसे ओपन करते हैं। लेट्स गो, कोई तगड़ा मिल जाए यार, बहुत ही सही। इनक्यूबेशन कंप्लीट। बूशी तो कोई, एक सेकंड, बूशी एक बॉस पोकेमोन है जिससे भी मेरी आगे चल के फाइट होगी, बट ये बॉर्न हो गई, अंडा मिल गया था मैं इसका। एक सेकंड रुको यार, देखने दो बूशी का डैमेज आए है छी। ये किसका पोकेमोन? इसको हटाओ भाई, मुझे तो लग रहा था कोई बहुत तगड़ी पोकेमोन होगी। ये तो कुनफू कराटे वाले कटाना लेके, ये है गाइस बूशी। अरे यार नहीं, इसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा पहले बहुत। एक मिनट रुको, अरे वेट वेट वेट, बूशी का लेवल 2 दिखा रहा है, इसका लेवल 5 होना पड़ेगा पहले। गाइस गाइस गाइस, बूशी बहुत ज्यादा खतरनाक पोकेमोन है, अभी वो लेवल 2 की है, हमारा लेवल 18 है, तो शायद से वो हमारे लेवल के साथ सिंक हो जाएगी अगर मैं उसे अपने पैल बॉक्स में रख दूंगा तो। बूशी तू लेवल 18 की कैसे हुई थी भाई? ये है तो बहुत तगड़ी पोकेमोन, मुझे इतना पता है, बट ये लेवल 2 की क्यों है सिर्फ? वेट यार एक सेकंड, अगर मैं बूशी को किसी से फाइट करवा दो, मान लो मार इसको, तो क्या इसका लेवल सिंक होगा? लेवल 3 हो गया भाई उसका सीधा। मारते रहे, लड़ाई करते रहे। अबे इतना सोच समझ के कोई लड़ाई कर रही है ये? गाइस ये तगड़ी पोकेमोन है, देखो उसका लेवल 4 हो गया, लेवल 4 पे इसका 146 का डैमेज हो चुका है, तो मतलब लेवल 18 जो कि हमारा लेवल है, जल्दी वो उस लेवल पे भी सिंक कर जाएगी, तब उसका लेवल कितना तगड़ा हो जाएगा भाई। बूशी भाई तगड़ी पोकेमोन है, इसको अपने पास रखते हैं, ये आखिर बॉस पोकेमोन है भाई, वो भी एक, तो कुछ तो बात है उसमें। तो अभी बस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ये, ताकि जो वाटर पोकेमोन है क्रशर को घुमाए और हमें बहुत